Hello, good morning students. Welcome to BVN e-learning class. How are you? I hope you will be fine at your home. Dear student, today will we will do remaining questions of chapter number 5, our third book of social and political life. Today date is 25th September 2020 day, Friday. लेट बी स्टार्ट चैप्टर नंबर फिफ्थ पंचायती राज स्टूडेंट हम इसके वन टू फाइव क्वेश्चन कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन टुडे विल बी स्टार्ट सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स पंचायत की आय के कौन कौन से साधन होते हैं यानी कि पंचायत की आय किससे होती है किन किन साधनों के द्वारा होती है और आंसर इज पंचायत की आय के साधन निम्नलिखित है फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रह कर स्टूडेंट ग्रह कर को चूल्हा कर भी कहते हैं यह हर घर से वसूल किया जाता है नेक्स्ट वन इज मेले पंचायतें मेले लगवाती है और दुकानों पर फीस लगाती है थर्ड पॉइंट इज पशु मेले से आए पंचायत गांव के अंदर पशु मेले में पशु बेचने और खरीदने वालों पर फीस लगाती है यह भी इससे भी पंचायत को आय होती है और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अन्य कर इसके अलावा और भी कौन से कर है जैसे पंचायत को पानी जमीन तथा अन्य साधनों से भी आय होती है नेक्स्ट पॉइंट अनुदान पंचायत को अपने क्षेत्र में में विकास कार्यों से भी अनुदान प्राप्त होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा पंचायत समिति किसे कहते हैं तो आंसर इज पंचायती ए, राज प्रणाली का वह संगठन जो ब्लॉक या खंड के विकास के लिए कार्य करता है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति कहलाता है विभिन्न विभिन्न राज्यों में स्टूडेंट इसे विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है अलग अलग नामों से जाना जाता है कुछ राज्यों में इसे खंड समिति और कुछ क्षेत्र में इसे समिति के नाम से भी जाना जाता है और सभी ग्राम पंचायतों के जितने भी प्रधान और सरपंच होते हैं वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट पंचायत समिति के कार्य लिखिए हमने जैसे कि पंचायत के कार्य पढ़े थे अब हम पंचायत समिति के कार्य पढ़ेंगे आंसर इज पंचायत समिति के कार्य अग्रलिखित है यानी कि निम्नलिखित है फर्स्ट पॉइंट इज यह नागरिक सुविधाएं ये नागरिकों के लिए जो सुविधाएं होती है जैसे जल और विद्युत की आपूर्ति करना विद्युत होता है बिजली की सड़कों का बनवाना और अन्य कार्य करती है नेक्स्ट पॉइंट यह ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करती है यानी कि लागू करती है थर्ड पॉइंट इज यह गांवों की विभिन्न गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखती है यानी गांव के अंदर होने वाले मेले लगने वाले मेले और भी जो कार्य हैं कोई कैंप होगा कुछ और भी जैसे भी आयोजन होता है उन सबका मतलब व्यवस्था बना के रखती है नेक्स्ट पॉइंट इज यह किसानों को उत्तम प्रकार के बीजों के वितरण में भी सहायता प्रदान करती है यानी कि किसानों को अच्छे बीज मिलेंगे तो फसल भी अच्छी होगी तो इस चीज़ का भी ये ध्यान रखती है उनके लिए कार्य करती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नाइन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जिसे बीडीओ कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट बीडीओ की कि ग्राम विकास में क्या भूमिका होती है मतलब इसकी क्या कार्य होते हैं क्या अपनी जिम्मेदारी को ये निभाता है आंसर इज खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ग्राम विकास में निम्नलिखित भूमिका निभाता है जो कि इस प्रकार से है वन पॉइंट है हमारा वह पंचायत समिति के निर्णयों को लागू करता है नेक्स्ट पॉइंट वह विकास योजनाओं को कार्य रूप देता है यानी कि उसमें सुधार करता है कोई भी कमी रह जाती है तो उसे बताता है नेक्स्ट पॉइंट वह ग्रामीण विकास कार्यों में मार्गदर्शन करता है कि गांव में जो कार्य हो रहे हैं बिजली पानी की व्यवस्था सड़कें बनाना स्कूल इनकी मतलब मार्गदर्शन यानी कि इनमें कोई कमी हो जाती है इनके विकास हेतु सलाह देता है बताता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन जिला परिषद का गठन कैसे होता है अभी हमने पंचायत के बारे में ब्लॉक यानी कि खंड समिति के बारे में पंचायत समिति के बारे में पढ़ा अब हम जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे कि इसका गठन कैसे होता है आंसर इज जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली की सबसे सर्वोच्च संस्था होती है सबसे ऊंची अच्छी संस्था होती है इसका गठन जिला स्तर पर किया जाता है जिला परिषद के सदस्यों को चुनाव वार्ड स्तर पर जिले के ही लोगों के द्वारा पाँच वर्षों के लिए किया जाता है चुनाव होते हैं चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है और जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो इस प्रकार जिला परिषद का गठन होता है अब इसके कार्य देखते हैं हम जिला परिषद के कार्य इलेवन क्वेश्चन हमारा जिला परिषद के कार्य लिखो अभी तो हमने उसके गठन के स्थापना के बारे में अब हम उसके कार्य पढ़ेंगे आंसर इज जिला परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं फर्स्ट पॉइंट इसका मुख्य ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की अनेक कार्य में सहायता करना है यानी कि इन दोनों के जितने भी कार्य उनका सहयोग देना होता है सेकंड पॉइंट है यह जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाएं तैयार करता है प्लान बनाता है कि किस प्रकार विकास हो सके कोई कमियां ना रह जाए अधिक से अधिक सभी को लाभ या सुविधाएं मिले नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यह ज़िले के विकास के कार्यों को लागू कराती है तथा उनका निरीक्षण भी करती है जब कार्य योजना तैयार हो जाती है तो उन्हें लागू भी करवाती है लोगों को सुविधाएं भी मिलनी ज़रूरी होती है और इसका भी निरीक्षण किया जाता है इंस्पेक्शन किया जाता है कि किसको सही सुविधा मिल रही है या नहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट फोर राज्य सरकारों को पंचायतों तथा समितियों के कार्यों की सूचना देती है कि ये पंचायत ये समितियाँ सही कार्य कर रही है या नहीं नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का संचालन करती यानी कि प्राइमरी स्कूल का चलाने का कार्य भी ये ही करती हैं तो स्टूडेंट्स दिस इज़ कंप्लीट I hope you understand better. You learn and write these questions. Thank you, students.